जय हिंद साथियों, मैं अरिफ खान, भारतीय खरीद विक्री संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष और जैन चालक मालक संगठन का अध्यक्ष। ये क्लिप इसलिए बना रहा हूँ कि जो चैनल वाले गुमराह कर रहे हैं कि जो स्ट्राइक है वो बंद हो गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया जो ट्रांसपोर्ट है उससे हमारा कुछ लेना देना है नहीं। ड्राइवर यूनियन अलग से है और ट्रांसपोर्ट यूनियन अलग से है, और ये जो भी कोई आगे जाके बात कर रहा है वो कोई सरकार के तरफ से आया हुआ लेटर नहीं बता रहे। और सब में बड़ी बात ये है कि हमारे को कोई बताया नहीं जा रहा है कि क्या क्यों बंद है, क्यों चालू है। कोई भी आ रहा है, कोई भी उठ रहा है, कोई भी बोल रहा है कि बंद है चालू है, और चैनल वाले भी झूठ बात करते हैं। कुछ अच्छे पत्रकार छोड़ के दूसरे पत्रकार भी सच्ची बात बता नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ने ये तय किया हुआ है कि हर ड्राइवर जो है अपने गाड़ियों पे, दूसरे के गाड़ियों पे जो ट्रक मालिक है, तो इनको मैं विनती कर रहा हूँ कि हम लोग ने ये तय किया हुआ है कि हम लोग 9 तारीख के रात के 12 बजे से जनवरी 9 तारीख 9/1/2024 को हम लोग रात के 12 बजे से हम बेमुदत बोलते हैं इसको, उसका स्ट्राइक कर रहे जब तक अमित शाह जी, गृह मंत्री जी या तो उनके सचिव, जब तक ये बोलते नहीं है कि ये लिखित नहीं देते हैं कि ये स्ट्राइक या तो ये खूनी कानून जब तक पीछे नहीं लिया जाएगा या तो उसको रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक ये स्ट्राइक चलता रहेगा। तो भाइयों, मैं आह्वान करता हूँ आप लोगों से, ऐलान करता हूँ आपसे कि ये जो खूनी कानून है ये जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग रोड पर नहीं आएंगे। चाहे मजदूरी करो, चाहे दिहाड़ी करो, जो भी करो, लेकिन अपने बाल बच्चे संभालो, क्योंकि ये खूनी कानून है भाइयों, ये बहुत तकलीफ देने वाला कानून है। अच्छा, ये बात तो ठीक है, चलो 10 साल की सजा तो सजा, लेकिन जब रोड पे पब्लिक मारती है तो उसके अंदर अगर ड्राइवर की मौत होती है तो उसको बचाने वाला या तो उसको कुछ मुआवजा देगा क्या सरकार? उसका कुछ कानून बनाया क्या सरकार ने? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हम लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग अभी इसके आगे, जब तक ये कानून पीछे नहीं लिया जाएगा, इसके लिए हम लोग अभी 9 तारीख को रात को 12 बजे से ये स्ट्राइक चालू करें। ये स्वयंभू स्ट्राइक है, ये खुद ड्राइवर लोगों ने अपने और सब संगठन वाले से मैं ये आपके जरिए से बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ड्राइवर लोग हैं वो हमारे गुलाम नहीं है, ये किसी संगठन के अध्यक्ष के गुलाम नहीं है। और कोई भी अध्यक्ष जो है हर संगठन का, वाहन चालक मालिक का, तो ये कुछ बाप नहीं है ड्राइवर लोगों का, ठीक है ना? तो ये भाइयों, ये भी बात बताना चाहता हूँ कि कौन से भी चैनल से या तो कौन से भी पत्रकारिता से या तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये स्ट्राइक मिट गया ऐसा अगर आता है आपके पास तो उसको यकीन मत करो। कुछ जो पत्रकार, अच्छे पत्रकार, उनके तरफ से स्टेटमेंट आता है तो बात और है, लेकिन जब तक अमित शाह जी और उनके गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके जो सचिव है उनके तरफ से लिखित में कुछ आता नहीं, तब तक स्ट्राइक ये चालू रहेगा, ठीक है मित्रों? और ये जो कानून लाया हुआ है ये खूनी कानून है, खूनी है ना। अगर आपको नहीं जमता है तो अपना सीधा घर जाओ भाइयों, और घर पे बैठो और अपने बाल बच्चे के साथ में रोजी सूखी रोटी खाओ। जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जयते।